हर हर महादेव, बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। चल हम दोनों रेस लगाए। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग। अंकित, सौम्या एंड रूपाली तीनों ब्रेकफास्ट करने जा चुके हैं, मैं रह गया। क्यों? क्योंकि यार कल मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए मुझसे सुबह उठा नहीं गया जल्दी। तो बस अब निकल रहा हूँ मैं भी। एंड ये देखो, सेब के पेड़ों की कटाई चल रही है। इन सब ने तो शुरू भी कर दिया मेरे बगैर। तुमसे 5 मिनट वेट नहीं हुआ? 5 मिनट? चलो 1 घंटा। जल्दी बैठ जाओ, ठंडा हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है अंजनी महादेव के लिए। चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। एंड ट्रैक में हमारा साथ देने आए हैं ये शेर के बच्चे सोमू के दोस्त। सोमू, तू तो अपने दोस्त के ऊपर बैठ के चल जा। बैठ जा इसके ऊपर। ये हमारा ट्रैकिंग वाला रास्ता एग्जैक्ट उतना ही है जब कार्तिक स्वामी गए थे लास्ट। हम वहाँ 3.5 किलोमीटर का था ना, और ये है 3 किलोमीटर। बड़ंकी कह रहा है कि ऊंचाई नहीं है, मतलब स्लोप वाला एरिया नहीं है, प्लेन प्लेन है थोड़ा बहुत। सोमू, तेरा बबलू तो पीछे रुक गया हो रहा, वो देख रहा तेरे को। चल चल, रहने 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 रहने, आ जा। काटेंगे ना हम अपना ट्रैक कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ का ट्रैक कार्तिक स्वामी से तो डिफरेंट है ना? डिफरेंट बहुत बहुत। सुन, इसके ऊपर चढ़ेगी उससे बहुत गुना बड़ा है वो। कोई ना, चढ़ इसके ऊपर। देख तेरी इतनी से आने में हालत खराब होगी, और वो जो वो डॉगी जा रहा है वो कम से कम रोज के 3-4 राउंड मारता है। डॉगी के पास 4 पैर हैं। तू इनके साथ भी आ सकती है, देख ले। इन्हें बोल मेरे को बैठा के ले चलो। भाग गए आपको देख के सारे। इनका ऊन निकाल ले सारा। भाई बहुत दूर जाना है, वो देख ऊपर, वो उस व्हाइट वाली चोटी पे जाना है हमें। वो तेरा दोस्त पीछे है, देख वो रहा तेरा दोस्त। कितना प्यारा सा है बेचारा। इसका डेली का है अप एंड डाउन, ये ऊपर तक जाता है किसी के हाथ भी, और फिर वहां से घूमता फिरता वापसी। या फिर ये इनका रखवाला होगा, मुझे लग रहा है शिप्स का रखवाला है ये। कोई एक आधी भेड़ इधर उधर हो जाए ना, तो ये मिनट में उन्हें एक कर देते हैं। चलो भाई छोड़ू, थक गया, चल तू रेस्ट कर, हम जा रहे हैं। आ गया वो भी। और रुक जाओ मेरे लिए भी यार, रुके हैं, बहुत दूर जाना भी यार, बहुत थकान लग रही है। चलो अब भाग के चले, हम दोनों रेस लगाए। नहीं भाई है? नहीं, आपकी लंबी टांग है, आप जल्दी पहुंच जाओगे। नहीं, जो जीता उसे प्राइज। नहीं, तू हारी तेरे को तब भी प्राइज। ठीक है, चल भागी। भागूंगी नहीं, जल्दी थकेंगे। ट्रैक वहां पे है, वहां कहीं। तो अगर ऐसे उल्टे से रास्ते जाएगी तो लेटी होएगी। ये क्या है यार, देखना कितना मस्त है। हटियो, वो है क्या, तो भालू खाता है क्या ये? वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना इसके अंदर। ये लाल लाल रंग का कुछ है। रहने दे, हाथ मत लगा। ये भालू खाता है क्या इसको? क्या पता कौन खाता है। गाइज, अगर आपको बताया ये रेड रेड क्या था, ये छोटे छोटे से झाड़ियों में उगे हुए हैं, तो कमेंट करके बताओ नीचे, ठीक है? क्या हुआ, हार मान ली? धूल उड़ा रहे यार। अच्छे खासे ट्रैक की ऐसी की तैसी कर दी। ये देखो, ये जो ये बाइक चल रही है ना यहाँ पे, इन्होंने ट्रैक की ऐसी की तैसी कर दी। धूल मिट्टी उड़ाते हुए जा रहे हैं, शोर मचाते हुए जा रहे हैं। चला गेट अप, हम पहुंच चुके हैं वो जो ऊपर से जम चुका पानी, वो झरना है, वही नीचे टपकता है। एंड बॉटम पे आपको वो शिवलिंग दिखाई दे रहे होंगे, अंकुर वाली वो जा रही है।
पानी देखो क्रिस्टल क्लियर। तो हम पहुंच गए हैं भोलेनाथ, वहाँ ऊपर से झरना बहता है एंड शिवलिंग का अभिषेक करता है। एंड अभी ये शिवलिंग बहुत छोटा दिख रहा है आपको, ये कम से कम 30-40 फुट का हो जाता है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ सोम, ये देख ये सारी बर्फ जमी हुई है, फिसल के दिखा। अच्छा हैं आप यही चाहते हो ना मेरी हड्डी टूट जाए। यहाँ से अब स्टेज शुरू हो चुकी है, हर हर महादेव बोल, हर हर महादेव। एंड यहाँ एक और यूनिक चीज़ है, यहाँ के स्ट्रक्चर्स वो देखो पहाड़ी के साथ चिपका के बनाए हुए आधे से, जहाँ तक पत्थर है वो टूट तो सकते नहीं, इतनी खतरनाक पहाड़ी है, तो मिक्स करके बना दिया, हर कोई किसी न किसी के हाथ घुल मिल जाता है। ये देखो परफेक्ट एग्जांपल है, पहाड़ के हाथ घुल के बना हुआ स्ट्रक्चर, यहाँ की इंजीनियरिंग है ये। एंड एक ट्रैक ये भी जा रहा है, वहाँ भी आई थिंक कोई मंदिर है, हम वहाँ भी जाएंगे। पानी जमा हुआ है, जमा हुआ है, बहुत ठंडा है भाई। इतनी बाल्टी जमी हुई है पूरी, पता है मैंने देख लिया भाई, बहुत खतरनाक इलाका है ये। पहुंच गए हम, हेलो सोमू, बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो। हमारे को ऊपर जाने में कम 35 मिनट लगे थे, है ना कि 32-35 हमने नोट किया था पूरा, और जाते हुए 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलिए ये देख लो क्या खतरनाक सा पेड़ है आंकी, ये बहुत डराता होगा भाई रात को। यहाँ पर बैठ के फोटो खींचे, यहाँ पर इन पत्थरों के बीच में अच्छी आएगी। हाँ चलो बस बस चढ़ जा, चढ़ चढ़ जल्दी हो गया ना, जल्दी चढ़ा इसके ऊपर, इसके ऊपर। हाँ देखो पहाड़ देखो पीछे, ओए ये मैंने जींस पहनी है, गजब। अब अंकित करेगा फोटो शूट इन सब का, मेरी भेड़ के साथ खींचो फोटो, स्माइल स्माइल मतलब ये क्या हुआ भाई, हम तो चले नीचे क्योंकि ये लेट करा देंगे हमें। देखो क्या कर रही है, पता नहीं क्या कंडे से चिपका दिया उसने अपने पूरे सूट पे। ओए हम जा रहे, तुम आते रहना, भागो। अभी हमने सोचा था कि इस वाले पत्थर पे चढ़ेंगे, बट रास्ता नहीं है भाई ऊपर चढ़ने का, मुश्किल हो जाएगी। अब हम चढ़ेंगे इस वाले पत्थर पे, अंकि यार रास्ता यही है, हैं यही है, तो चढ़ ट्राई कर। हाँ 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 कर सकता है कर सकता है कर सकता है, चढ़ गया पापे। अब नीचे कैसे उतरेगा सबसे मुश्किल ही है। अगर तूने टाइम मारी पैरों पे झंझनाहट हो जाएगी। हमारा ट्रैक भी फिनिश हो चुका है, हम गड्डी के पास पहुंच गए अपनी। अरे हेलो सोमू, रूपाली तुम दोनों के लिए एक ऑफर है, पूरा मिकी माउस झूला। अबे हम दोनों को तो वो चढ़ाएगा भी नहीं, सोमू को कुछ नहीं बोलेगा, जा सोमू जा। ओए यार गड्डी फंस गई हमारी, देख अंकल बैठा हुआ है, अंकल बैठा हुआ है। अच्छा मुझे लगा हमारी गाड़ी फंस गई, चल चाबी दे मैं निकाल लूं, चाबी दे सोमू, चाबी दो मेरे पास नहीं है, चाबी दे चाबी, वो जेब में जो दिख रही है शेर। ओए यार ये अंकी बड़ा तेज है, मैंने सोमू के ऊपर ब्लेम डाल देना था सारा, बच गई सोमू तू, अंकित ने बचा लिया तुझे। सही बात है, वो जो बड़े बड़े से पत्थर हैं जैसे ये ऐसे ऐसे से पत्थर है ना, ये इन्हीं को शेप में काट के टाइल बना रहे हैं, देख अभी गढ़वाल वाले इतने एडवांस हुए नहीं। अब हम यहाँ से निकलते हैं। हेलो भाई अब यहाँ से निकलना है या पेट पूजा करनी है पहले? नहीं नहीं पहले निकलेंगे फिर उसके बाद बाद में करेंगे पेट। ओए वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सब कह रहे थे लेचर, चल वाइल्ड लाइफ चलते हैं। अगर वहां ना दिखा मेरे जैसा एक क्या शेर, चलो अब हम निकलते हैं। समझ जाना वहां अगर कोई भी जानवर ना कोई छुपा बैठा होगा ना सबसे छुप कर, समझ जाना मैं एक दूसरे मल्टीवर्स में मैं हूँ।